नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो आपकी है उसकी इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी गणित की और मानसिक योग्यता की मैं करवाऊंगा। आप मेरे साथ चैनल पर बने रहे, इसमें बिल्कुल बेसिक से और छोटे बच्चों को साधारण तरीके से समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपकी जो प्रवेश परीक्षा होने वाली, जो एंट्रेंस एग्जाम आपकी जो होने वाली नवोदय की कक्षा 5 6 के लिए, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो मैथ्स का पेपर आता है तो पुराने कुछ जो पिछले पेपर मैंने देखे हैं उनमें एक जोड़ का सवाल आता है, मतलब जोड़ कीजिए, ठीक है। तो अब जोड़ करने का मतलब ये है कि कई बार जोड़ को योग भी लिखते, योग कीजिए, ठीक है, यानी कि प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। अब वो किस टाइप के प्लस करने वाले सवाल आते हैं या हमको क्या बेसिक चीजें आनी चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर ले, पास कर ले और वहां हम एडमिशन ले ले, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि मान लीजिए मैंने लिखा एक है ना, 2 3 4, ठीक है, ऐसा लिखा। फिर यहाँ प्लस लगा दिया, मान लो यहाँ लिखा मैंने 2.123, ठीक है, और एक और बार लिख दिया मैंने 1.234, ठीक है, का योग कीजिए। क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? का योग कीजिए, है ना, का योग करो या योग कीजिए, समझ आ रही बात। ये क्या है? 1.234 प्लस 2.123 प्लस 1.234 का योग होगा, ठीक है। योग की जगह हल भी लिख सकता, का हल होगा, योग नहीं लिखे तो आप समझ जाना कि ये प्लस का निशान है, मतलब आप इनको सबको जोड़ना है, समझ आ रहा ना। इसमें क्या करना है बेटा, यहां पर क्या करना है? जोड़ना है। तो आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसको सोल्व करें हम, ये जोड़ आनी चाहिए आपको। तो ये मैंने लिखा देखो 1.234, क्लियर समझ में आया सबको। इसके बाद ये वाला यहां से उठाएंगे तो अंक के नीचे अंक लिखना है और दशमलव के नीचे, तो ये पॉइंट लगा दिया पहले से। अब देखिए इधर क्या है, 2 है और यहां पर क्या है, ठीक है, अंक के नीचे वापस ये लिखना है, तो पहले से पॉइंट लगा दो, आप पहले से ही दशमलव लगा दो। और इधर क्या है, इधर 1 लिखा है और उधर क्या लिखा है, 2 3 और 4, क्या समझ में आई बात। सावधानी क्या रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आ जाना चाहिए और जो बाकी अंक है उनका सेटअप आप अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, अंक के नीचे अंक आ जाएंगे, क्या इतना समझ में आ रहा है। देखिए अब इसको जोड़ना है तो सरल काम है बहुत, तो पहले से आप आंसर में भी क्या लगा दो, दशमलव लगा दो पहले से। अब बताइए 4 ने 4 8 और 3 कितना हुआ, है ना, उसका हासिल या कैरी कितना, 1। अब बताइए सबको जोड़ दो लाइन से, कितना बनेगा बताइए, 8। हाँ गुड, तो क्या बनेगा, 9। अब तो कोई नहीं है ना, अब बताइए क्या है, कितना, 5 5 दशमलव लगा दी पहले से, इनको जोड़ दो कितना हो गया है, 4 4 4, कितना हो गया, 4, ठीक है। तो 4.591, 4.591, ये समझ में आया आपको। इस पैटर्न के कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इतना तो बहुत सरल है ना, आप कर सकते हो ना ऐसा, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी मिस नहीं करोगे, ये कम से कम आपको इतना तो आना ही चाहिए। इसी पैटर्न का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी आपको प्रयास करना है ना। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा क्या है, 7.321, ठीक है, 0.23 प्लस यहां लिख देते अपन 14.235, देखो 7.231 प्लस 0.23 प्लस 14.235, इसको ऐड करना है, ये समझ आ गया ना आपको, प्लस का निशान देख रहे हैं आप, तो जोड़ कीजिए। पीछे क्या लिखा, सरल कीजिए, तो भी समझ में आएगा ना, सरल कीजिए मतलब जोड़ करना है, ये समझ आ रहा है बेटा इतना। और इसके निशान देख के योग कीजिए, तब योग का मतलब भी क्या होता है, जोड़, है ना, और इंग्लिश में तो एडिशन या एड आएगा ना लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ लेंगे हम, लेकिन अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा देखो 7, है ना, कितना ये लिख दिया ना पूरा पहला पद, अब पॉइंट पहले से लगा दो, इधर कितना अंक है बेटा, 0 और उधर 2 3, क्या आप यहाँ पीछे 3 लिखोगे, समझ आ रही बात बेटा। ये पॉइंट उतारने के बाद ये केवल यहाँ 2 ही अंक दिए हैं, तो ऐसा नहीं है जगह खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा ना, पॉइंट के इधर है और बाकी 2 ये इसके नीचे और 2 के नीचे, समझ आ रहा ना, प्लस का निशान वापस है। तो अब बताइए पॉइंट पहले से लगा दे, ये जो है ना इसको क्या पहले क्या लिखूं, 4 और इधर आगे 1, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 3 5,
क्या इतना समझ में आया आपको? तो पॉइंट का विशेष ध्यान रखना, फिर पॉइंट पहले से लगा दो आंसर में। अब बताइए क्या आया? छः। ये कितना हो गया? आठ। ये कितना हो गया? सात। ये कितना हो गया? दशमलव। दशमलव लगा देना पहले से। अब कितना हो गया बेटा? सात और चार ग्यारह। तो ग्यारह का एक और तो कितना हो गया? हाँ बारह। दो। तो आपका आंसर क्या आया? ये आया आपका आंसर, है ना, 21.78 से। क्या समझ में आई बात कि नहीं आई? अब इसी पैटर्न के मैंने यहां तीन क्वेश्चन लिखे है ना, पहला दूसरा और तीसरा, तीन क्वेश्चन लिखे, आप इनको हल कीजिए, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा। और कुछ नहीं करना, सबको आता जोड़ करना, लेकिन सावधानी रख के करना, ठीक है। कहां कितने अंक है, दशमलव के बाद क्या लिखना, दशमलव आगे क्या लिखना, ऐसा कर लोगे ना आप, ठीक है। तो ये सिंपल पैटर्न है अपना, और आत्मविश्वास रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना।